Namaste friends, welcome to Art and Tarot. So today we are going to discuss a different kind of a card which we have not discussed before. It's called the Knight of Pentacles. Aaj hum discuss karenge Knight of Pentacles. Aapko pata hona chahiye ki char tarah ke knights hote hain har suit ke andar. Aur knight jab bhi aapka card aata hai, knight means action, activeness, stamina, strength, someone who brings news or help, someone who is a fighter and who takes challenges. That is what mostly a knight stands for. Knight mostly aapko dekhenge ki they are always active and they are ready to, you know, fight, to take challenges. So it's a good card. It's a good card of strength when it comes to you. अगर हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो दीज आर सम वर्ड्स विच पॉप आउट लाइक पावर, स्टेबिलिटी, मनी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, स्टेबल टाइम, नॉट टू बी वरिड. दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच पॉप आउट. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉप आउट होते हैं जब हम इस कार्ड को देखते हैं. जब भी आप टैरो कार्ड देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो बुक बंद कर देनी है, उसके मीनिंग नहीं देखने हैं. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इसको कार्ड को आप एनालाइज करिए, देखिए वो आपको क्या आपके अंदर जो है मैसेज आपको देना चाहता है, क्या आपसे बोल रहा है, आपको क्या फीलिंग आ रही है उसको देख के, आपको क्या लगता है कि ये कार्ड किस लिए स्टैंड करता है. और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपको लगता है सबसे पहले वो इस कार्ड का मीनिंग है, उसके बाद कुछ और मीनिंग है जो बुक में मीनिंग है. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आपको पता होना चाहिए कि लाइक व्हाट यू फील अबाउट द कार्ड. हालांकि एक प्रैक्टिस है, बहुत जो टैरो लर्न करते हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस मानी जाती है कि एवरी डे दे कैन स्लीप विद वन कार्ड अंडर देयर पिलो. सोने से पहले वो क्या करते हैं, एक कार्ड चुन लेते हैं, उसको उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं और तके के नीचे रख के सो जाते हैं. सो मैनी टाइम्स उनको जो है उसके जो मीनिंग्स हैं वो उनके सपने में रिवील होते हैं टैरो के. और जो आपको गहरी नींद में अगर आपको कोई टैरो का मीनिंग अगर आपको रिवील होता है, दैट इज समथिंग लाइक यू नो आपको मैसेज जो है डायरेक्टली एंजल से मिल गया. दैट इज व्हाट द टैरो has, you know, that is what the power which tarot holds, you know. Knight of Pentacles ke symbolism mein thoda jayenge. Hum dekhte hain ek knight jo ki ek kaale ghode ke upar baitha hua hai aur apne haath mein usne coin liya hua hai. To isko thoda samjhenge. Ek to black color ka horse hai. Black bahut cheezon ke liye symbolize karta hai. This you should understand. एक तो ब्लैक कलर ऐसा है कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिविटी. दिस इज इसलिए आप बहुत सारे टीचर्स को ब्लैक कलर भी पहने हुए देखते हैं. एंड ब्लैक ऑल्सो स्टैंड फॉर पावर, मिस्ट्री, स्ट्रेंथ, ग्रोथ, और it also stands for death but in a good way because it gives you a new beginning. So death ko zyadatar hum negative point of view se dekhte hain but many times death is a new beginning for everyone. It's a new startup. So aur ghode ko agar hum dekhte hain to wo bilkul ek still position pe khada hua hai. Agar hum baki ke 3 knights ke sath compare karenge to ghode ko aap dekhoge wo movement mein hai. इस घोड़े के साथ ये है कि लाइक इट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हफर दफड़ी में हो रहा हो, कुछ जल्दबाजी में हो रहा हो. जो स्टेबल ये जो घोड़ा जो है जो एक बिल्कुल स्टिल पोजीशन पे है, इट्स अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी एंड इट्स ऑल्सो अ साइन, इट शोज दैट नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन वॉट एवर डायरेक्शन यू वॉन्ट. और इसलिए उसके जो आप नाइट को भी देखोगे तो यही बहुत रिलैक्स वे से शो करा गया है. सो
अगर हम ओवरऑल इसके जो मीनिंग में जाएंगे वो ये कि एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना होगा या मनी को इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन उसको इन्वेस्ट करने से पहले यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन. आपको उस सिचुएशन को अच्छे से देख लेना है, देन उसमें जाना है. दिस इज वॉट नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली स्टैंड फॉर. और साथ में आप देखोगे कि नाइट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करा हुआ है. दिस इज वॉट इट ऑल्सो मीन्स दैट कि जब आप किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं, जब आप किसी एक नए रास्ते पे जा रहे हैं, यू नीड प्रोटेक्शन, यू नीड टू सूट अप, यू नीड टू मेक श्योर दैट नो वन हार्म्स यू. सो और साथ में अब हम देखते हैं कि क्वाइन की उनके हाथ में जो क्वाइन है वो क्वाइन सिंबलाइज करता है कि उनके हाथ में पावर है, कि दैट दे हैव दिस पावर एंड दे कैन इन्वेस्ट इन वॉट एवर दे वॉन्ट. फिर हम पीछे के बैकग्राउंड में जाते हैं विच इज येलो, एंड येलो मीन्स स्टेबिलिटी. इट ऑल्सो मीन्स बिगनिंग ऑफ अ न्यू डे, क्रिएटिविटी एंड इम्यूनिटी. और अगर हम पीछे के फील्ड में देखेंगे तो इट्स अ प्लग फील्ड, एक ऐसा फील्ड जिसको उपजाऊ बनाया गया है, जो कि उपजाऊ है. और एक रिच फील्ड पीछे शो किया गया है जो कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा. दिस इज व्हाट इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स. तो इन कंक्लूजन, नाइट ऑफ पेंटिकल जब भी आपके पास आएगा वो आपको एक अच्छा साइन दे रहा है, एक अच्छी एक न्यूज़ दे रहा है कि दैट यू आर इन अ स्टेबल पोजिशन एंड यू हैव द पावर, यू हैव द ब्लेसिंग. और अब आपको जो है जो भी स्टेप लेना है सोच समझ कर लेना है, और कुछ भी जल्दबाजी में कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव द टाइम. इस वक्त आपके हाथ में टाइम भी शो किया गया. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. नमस्ते.